हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम अध्याय 9 के पाठ के भीतर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 157 पर पहला प्रश्न दिया गया है। यदि एक लक्षण ए है वो अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% जीवों में पाया जाता है, कोई लक्षण ए है और ये 10% जीवों में पाया जाता है, और वे जीव कैसे हैं? वो जीव अलैंगिक जनन वाले हैं। कैसे हैं? अलैंगिक जनन वाले जीव है, ठीक है। जबकि कोई लक्षण बी है वो 60% जीवों में पाया जाता है। तो मैं जवाब देना है कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो निश्चित रूप से हमें देखने से पता चल रहा है कि बी लक्षण ज्यादा जीवों में पाया जा रहा है। तो बी लक्षण क्या हुआ होगा? पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि ये 60% जीवों में मौजूद है। और हमें पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो किसी भी प्रजाति की जो जनसंख्या है उसमें क्या होते जाते हैं? संग्रहित होते जाते हैं। यानी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन लक्षणों के पाए जाने की संभावना भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यहां से हमें समझ में आया कि जो बी लक्षण है वो पहले उत्पन्न होया होगा क्योंकि ये ज्यादा जीवों में मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? यह बोल रहा है कि जो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उन विभिन्नताओं के कारण किसी प्रजाति का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार बढ़ जाता है। तो देखिए इसका कारण क्या है कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है इसके कारण से किसी भी जाति का जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो स्पीसीज या प्रजाति है वो स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में क्या हो जाती है? सक्षम हो जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं कि कोई उष्णता को सहन करने वाले जीवाणु है, क्या है? एक प्रजाति है किसकी? जीवाणुओं की, ठीक है, जीवाणुओं की एक प्रजाति है। अब क्या हुआ कि इनमें विभिन्नताओं के कारण दो अलग अलग प्रजाति के जीवाणु समूह बन गए, एक समझ लीजिए ए और एक बन गया बी। समझ लीजिए जो ए प्रजाति है यह गर्मी को सहन कर सकती है और जो बी प्रजाति है वो गर्मी को सहन नहीं कर सकती है, ठीक है। बी प्रजाति है वो गर्मी को सहन नहीं कर सकती है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी भूमंडल या हमारे वातावरण का तापमान में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जल का ताप भी बढ़ जाएगा, और जब जल का ताप बढ़ जाएगा तो वे जीवाणु जो गर्मी को सहन करने की क्षमता रखते हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, और जो बी प्रजाति के जीवाणु जो गर्मी को सहन नहीं कर सकते उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब जीवाणुओं में विभिन्नताएं उत्पन्न हुई थी। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि यदि किसी प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो जितनी अधिक विभिन्नताएं होगी उस प्रजाति के इस पृथ्वी पर बने रहने की संभावना पर क्या हो जाएगी? उतनी ही बढ़ती जाएगी। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 161, पहला प्रश्न, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि कोई लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है? तो देखें, जब मेंडल ने शुद्ध लंबे मटर के पौधे और शुद्ध बोने मटर के पौधों के बीच में संकरण कराया था तो F1 पीढ़ी में यानी पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सब कैसे पौधे थे? वो सब लंबे पौधे थे। देखो आपके सामने दिया हुआ है कि शुद्ध लंबे को हमने कैपिटल T से दर्शाया है और शुद्ध बोने को स्मॉल T से दर्शाया है। जब इन दोनों के बीच में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो चारों पौधे कैसे थे? वो सभी पौधे लंबे थे। तो यहां से हमें क्या देखना मिला कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही हमें दिखाई देता है, यानी पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है उस लक्षण को क्या कहा जाता है? प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट ट्रेट्स कहा जाता है। आया समझ में? तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रभावी लक्षण क्या होता है तो मेंडल के प्रयोग के अनुसार जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाता है वो लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। फिर
मेंडल ने दूसरा प्रयोग किया, तो उन्होंने द्वितीय चरण में क्या किया कि जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे थे उनका क्या कराया, स्व परागण कराया, यानी उन्हीं पौधों का उन्हीं के साथ वापस परागण की क्रिया कराई। तो उन्हें क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का जो अनुपात है वो क्या था, 3:1 था, यानी 3 लंबे थे तो एक क्या था, बौना पौधा था। तो F2 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे कैसे थे, प्रभावी थे, परंतु बौना पौधा क्या था, एक अप्रभावी लक्षण था। तो हम कह सकते हैं कि जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो लक्षण क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है, जैसा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में समझाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी मेंडल के प्रयोगों से हमें कैसे जानकारी मिलती है कि अलग अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो देखें, मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, जो अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा था। परंतु जब F1 पीढ़ी के दो पौधों का पुनः आपस में संकरण कराया गया तो दूसरी पीढ़ी के जो पौधे थे वो या तो लंबे थे या बौने थे, यानी उनमें लंबापन और बौनापन दोनों गुण मौजूद थे, और वहां पर लंबे और बौने पौधों का अनुपात कितना था, 3:1 था, और कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था। मतलब क्या हुआ कि लंबेपन या बौनेपन का जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे थे, वंशानुगत हो रहे थे, कि 3 लंबे पौधे के लक्षण वंशानुगत हो रहे थे और 1 लक्षण बौने पौधे का वंशानुगत स्वतंत्र रूप से हो रहा था, जैसा अभी हमने यहां पर देखा था। देखो यहां पर जब दोनों के बीच में हमने संकरण कराया तो दूसरी पीढ़ी में देखो ये भी लंबा था, ये भी लंबा और ये लंबा, ये 3 लंबे पौधे थे और एक कैसा था, एक बौना पौधा था। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि लंबापन और बौनापन दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे थे, वंशानुगत हो रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष है, कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, और एक स्त्री जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, एक फीमेल है और उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, उनकी एक बेटी है डॉटर और उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है कि यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो देखो, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लक्षण प्रभावी था, यानी पुरुष का या महिला का, इसका हमें स्पष्टीकरण भी देना है। तो नहीं, यह सूचना पर्याप्त नहीं है। क्यों, देखो, यदि ए रक्त समूह प्रभावी हो और रक्त समूह ओ अप्रभावी हो तब भी पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, यानी कि ये पिता है और ये माता है, पिता का क्या है, पिता का ए है और माता का क्या है, ओ है। तो इसमें दोनों ही स्थिति में, अगर भले ये प्रभावी हो या ये प्रभावी हो, दोनों ही स्थिति में इसकी पुत्री का जो रुधिर वर्ग है वो ओ हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि रक्त वर्ग ए अप्रभावी हो और ओ क्या हो, प्रभावी हो, तब भी पुत्री का रक्त वर्ग क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। मतलब दोनों ही स्थिति में, चाहे पिता का जो रक्त है वो प्रभावी हो या न हो, उस स्थिति में भी पुत्री का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, और जब अप्रभावी हो तब भी हो सकता है, और जब प्रभावी हो तब भी हो सकता है। अतः हमारे लिए सूचना पर्याप्त नहीं है, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर कौन सा लक्षण प्रभावी है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मैं समझाना है कि मानव के अंदर बच्चे का मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी संतान के रूप में, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो देखो, बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वो लड़की होगी, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वो क्या होगा, वो लड़का होगा। हम सब जानते हैं कि पुरुष के अंदर दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई, क्या होते हैं, एक्स वाई, यानी 22 जोड़े तो एक जैसे होते हैं नर और मादा में, लेकिन पुरुष में 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है और मादा में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। मतलब क्या हुआ कि मादा से तो हमेशा दो समान युग्म के गुणसूत्र बनेंगे, और वो कौन से होंगे, एक्स।
तो कभी भी मादा गुण सूत्र संतान का निर्धारण करने में अपनी भूमिका नहीं निभाता। भूमिका कौन निभाता है? नर शुक्राणु या नर गुण सूत्र। यदि नर के एक्स का मादा के एक्स के साथ मिलन हुआ तो लड़की होगी, और यदि नर के वाय का मादा के एक्स के साथ मिलन हुआ तो क्या होगा? लड़का होगा। तो नर और मादा उत्पन्न होने की जो संभावना है वो क्या होती है? 1:1 में, यानी कि बराबर होती है। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न, पेज संख्या 165 पर। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? यानी ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले जीवों की संख्या क्या हो सकती है, इस वातावरण या समष्टि में बढ़ सकती है? तो देखें कुछ तरीके क्या है। पहला तरीका है प्राकृतिक चयन। क्या है? प्राकृतिक चयन। तो प्रकृति द्वारा लाभप्रद विविधताओं वाली समष्टि को सतत बनाए रखना क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन कहलाता है। यानी प्रकृति के द्वारा उस समष्टि या प्रजाति को बनाए रखना जो क्या है, जो प्रकृति के लिए लाभदायक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयन कहा जाता है। वे लक्षण जो किसी व्यष्टि जीव की उत्तरजीविता और प्रजनन में क्या होती है, लाभदायक होते हैं, वे अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। परंतु जिनसे कोई लाभ नहीं होता वे लक्षण संतति में नहीं जाते। अतः इस कारण से एक वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं उनके कारण क्या होता है, उन जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। और वे लक्षण वाले जीव जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते वो लक्षण वाले जीव धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जितने अधिक कौए होंगे उतने अधिक लाल सुरंग उनके क्या बनेंगे, शिकार बनेंगे। इसकी व्याख्या हमने चैप्टर के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि कोई भ्रंग है, सुरंग नहीं, ये भ्रंग है, ठीक है, ये छोटे जीव है, वो कैसे हैं, वो अगर लाल रंग के हैं तो क्या होंगे, जब भी वो पेड़ पौधों पर अपना विश्राम करेंगे या आश्रय बनाएंगे तो लाल रंग के होने के कारण कौए उनको आसानी से देख लेंगे, और जब उनको आसानी से देख लेंगे तो कौए उनके आसानी से भक्षण कर लेंगे। तो जितने अधिक क्रो होंगे लाल भ्रंग के उतने ही अधिक क्या होगा, शिकार होगा। और समष्टि में जो हरे रंग के भ्रंग है क्योंकि वो पेड़ पौधों के अंदर जब निवास करेंगे तो पेड़ पौधों का रंग भी हरा होता है और उन भ्रंगों का रंग भी हरा है तो वो आसानी से दिखाई नहीं देंगे और इस कारण से उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक चयन है जो किसके द्वारा किया जा रहा है, जो क्रोस यानी को के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है तरीका, वो है आनुवांशिक विचलन। कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी समष्टि के ज्यादातर जीव मर जाते हैं और ऐसी स्थिति में जिन क्या रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं, जिसके कारण उस समष्टि का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है तथा उनकी संतति में केवल जीवित सदस्यों के लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक विचलन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कोई एक लाल भ्रंग थे और एक थे नीले भ्रंग। कौन से थे? एक लाल और नीले भ्रंग। अब समझ लीजिए जहां पर लाल भ्रंगों की अधिकता थी वहां पर समझ लीजिए कोई आपदा आ गई। क्या आ गई? आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या महामारी आ गई, ठीक है, या पराभक्षण यानी वहां पर शिकार करने वाले जीव ज्यादा आ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस समष्टि के जीव नष्ट हो जाएंगे और जो इस समष्टि के जीव है जो अलग जगह रह रहे थे वो क्या होंगे, वो समष्टि में बने रहेंगे। तो ये क्या है, ये आनुवांशिक विचलन है। अगला है विभिन्नता और अनुकूलन। तो पर्यावरण में होने वाली विभिन्नता के अनुसार जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं वो जीव पर्यावरण में बने रहते हैं, और जो जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से प्रकृति में जीवों की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, कौन सा लक्षण, उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो देखो केवल वे ही लक्षण वंशानुगत होते हैं जो जनन कोशिकाओं के डीएनए द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि वे लक्षण जो केवल जनन कोशिकाओं में जो डीएनए की संरचना बनती है उस डीएनए के जरिए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वही लक्षण क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। बल्कि जो उपार्जित लक्षण है उन लक्षणों का जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जीवों के द्वारा पर्यावरण में जन्म लेने के बाद ग्रहण किए जाते हैं, इस कारण से इनका जनन कोशिकाओं से कोई संबंध नहीं होता। और कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार आप कुत्तों की पूंछ काट लेते हो
तो क्या जरूरी है कि उस कुत्ते के द्वारा जो नई संतान उत्पन्न होगी उसकी पूंछ कटी हुई होगी? नहीं होगी। वो कौन सा लक्षण है? उपार्जित लक्षण है जो उसे जन्म के बाद मिला है। जबकि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो उसे जन्म के साथ प्राप्त हुए हैं। अतः कभी भी उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अपने यहाँ महिलाओं के कान नाक वगैरह में छेद किए जाते हैं अलग अलग आभूषण पहनने के लिए, तो क्या उनकी जो संतान उत्पन्न होगी उनमें छेद होते हैं नाक में? क्या नाक या कानों में? नहीं होते। तो ये कौन सा लक्षण है? उपार्जित लक्षण है, क्योंकि इनका जनन कोशिकाओं से कोई संबंध नहीं होता बल्कि केवल कायिक कोशिकाओं से होता है, शरीर की कोशिकाओं से होता है। अतः ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। अगला, बाघों की संख्या में कमी अनुवांशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? यानी दिन ब प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या में कमी आ रही है, तो ये अनुवांशिकता की दृष्टि से एक चिंता का विषय क्यों है? तो देखो, बाघों की संख्या में कमी अनुवांशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यदि बाघ विलुप्त हो गए तो इससे इनकी स्पीसीज का, इनकी प्रजाति का जो जीन है वो भी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और बाघों की स्पीसीज को पुनः वापस ला लाना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। यानी ऐसी प्रजाति के जीन को पुनः खोज कर लाना या उसका आविष्कार करना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। और हमारे आने वाले जो अगली पीढ़ी है वो बाघ को नहीं देख पाएगी। अतः बाघों की संख्या में जो दिन ब दिन कमी हो रही है वो अनुवांशिकता की दृष्टि से भी क्या है? एक चिंता का विषय है। अगला प्रश्न है, पेज संख्या 167 पर पहला प्रश्न, वे कौन से कारक है जो नई प्रजाति या स्पीसीज के उद्भव में सहायक है? वो कौन से ऐसे कारक है जो किसी भी नई प्रजाति के उद्भव में सहायक है? वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला है जीन प्रवाह का स्तर कम होना, दूसरा प्राकृतिक चयन, तीसरा विभिन्नताएं, चौथा भौगोलिक पृथक्करण के कारण जनन पृथक्करण, और पांचवा आनुवांशिक विचलन। ये वो प्रमुख कारण है जो किसी भी नई स्पीसीज के उद्भव में या उत्पत्ति में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? ये बोल रहा है कि जो भौगोलिक पृथक्करण है, भौगोलिक पृथक्करण मतलब क्या हुआ? जैसे ये पहले ये प्रजाति के कोई जीव थे, वो सब साथ में मिलकर रह रहे थे, समझ लीजिए इसमें 10,000 जीव थे और साथ में मिलकर रह रहे थे। अचानक क्या हुआ? अचानक एक समय बहुत बाढ़ आई और इन दोनों के बीच में गहरी घाटी पड़ गई, ठीक है, और इसमें से आधे जीव इस तरफ रहने लग गए, आधे जीव इस तरफ रह गए, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब भौगोलिक पृथक्करण के कारण इन दोनों के बीच में समझ लीजिए स्व परागण की क्रिया हुई। क्या हुई? इस प्रजाति के जो जीव थे, समझ लीजिए बी और सी, स्व परागण का मतलब है कि इन्हीं जीवों का इन्हीं के साथ परागण और इन्हीं जीवों का इन्हीं के साथ परागण, तो क्या इससे एक नई जाति उत्पन्न हो सकती है? तो देखो, नहीं। क्यों? क्योंकि भौगोलिक पृथक्करण स्व परागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई जब ये जीव या पौधे अपने ही तरह के पौधों के साथ परागण की क्रिया करेंगे तो क्या होगा? इसी तरह का पौधे या उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहां पर केवल जीवों का पृथक्करण हुआ है, उनके जीन में या उनके गुण सूत्रों में कोई पृथक्करण नहीं हुआ, केवल उनकी संख्या में बंटवारा हो गया है कि कुछ पौधे या जीव इस तरफ आ गए और कुछ पौधे इस तरफ आ गए, तो इससे उनकी संरचना में थोड़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, उनके जीन या गुण सूत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस कारण से इससे कोई नई प्रकार की प्रजाति या स्पीसीज का उद्भव नहीं होगा। आया समझ में? अगला, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीव, कौन से? अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अब अलैंगिक जनन में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपनी जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो वो की वही बात है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जब जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो उसके गुण सूत्रों में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, और जब गुण सूत्रों में कोई बदलाव नहीं हो सकता तो उसमें किसी भी प्रकार के हमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला, पेज संख्या 171 पर, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध निर्धारण करने के लिए करते हैं। हमें कोई दो एक्शन लक्षण बताने हैं जिनका उपयोग हम दो प्रजाति के विकास संबंधी, जो विकास से संबंधी जो उनके बीच संबंध है, उन संबंधों का निर्धारण करने के लिए करते हैं। यानी कोई दो ऐसे लक्षण बताते हैं जिनकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि इन जीवों का विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ है। तो देखें, समजात अंग, जो समजात अंग है, उन समजात अंगों की उपस्थिति से
हम दो प्रजाति या स्पीसीज के सदस्यों के बीच में विकासी संबंध स्थापित करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। कैसे, देखो, जैसे बात करें पक्षियों की, सरीसृप की या जल स्थलचर जीवों की, तो इनकी तरह जो स्तनधारी है उन स्तनधारियों में भी चार पार क्या होते हैं, पैर होते हैं। जैसे पक्षियों में उड़ने के लिए चार पाव होते हैं, ठीक है ना, दो पाव होते हैं और दो पंख होते हैं, सॉरी दो पैर और दो पंख होते हैं। उसी तरह जो स्तनधारी है जो जमीन पर रहते हैं या अपने निवास करते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें चार पैर होते हैं। तो इन सभी के जो पैरों की अगर हम संरचना की बात करें तो वो आधारभूत संरचना कैसी है, एक जैसी है, परंतु कार्य कैसे हैं, अलग अलग है। तो ऐसे हम क्या कहलाते हैं, समजात अंग। क्या कहलाते हैं, समजात। समजात का मतलब है, सम का मतलब जान, समान, और जात का मतलब क्या है, यहां पर जात का मतलब है उनकी संरचना से, किससे है, उनकी संरचना से, यानी इनकी संरचना समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। तो ये लक्षण में क्या दर्शाते हैं, ये लक्षण दर्शाते हैं कि ये जीव पुराने समय में किसी न किसी एक दूसरे से संबंधित थे, इसी कारण से इनके शरीर के कुछ भाग या हिस्से हैं वो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन जीवों के पूर्वज कहीं ना कहीं एक जैसे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। बोल रहा है कि एक तितली और चमगादड़, इनके पंखों को हम समजात अंग कह सकते हैं। देखो समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तो हम तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इनकी आधारभूत जो संरचना है वो भी कैसी है, वो तो समान है परंतु कार्य कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। लेकिन तितली और चमगादड़ के पंख है उनकी आधारभूत संरचना बिल्कुल कैसी है, भिन्न है, अलग अलग है, भले ये कार्य कैसे हैं, कार्य में ये एक जैसे हैं, इसी कारण इन्हें समरूप कहते हैं। यानी कि ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, हम समरूप अंग कहते हैं, न कि समजात अंग। आया समझ में भाई। देखो यहां पर दो शब्द है, एक समजात और एक समरूप। जो तितली और चमगादड़ के पंख है उनकी संरचना समान है, सॉरी उनकी संरचना कैसी है, संरचना भिन्न है, और कार्य एक जैसे हैं, कार्य कैसे हैं, समान है। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य एक जैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। संरचना भिन्न भिन्न लेकिन कार्य समान, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप। और ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समजात अंग कह सकते हैं। तो तितली और चमगादड़ के जो पंख है वो समरूप है, कैसे हैं, समरूप है लेकिन वो समजात नहीं है, ठीक है। आगे, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, यानी जैव जीवाश्म क्या होते हैं और ये जीवों के विकास की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में क्या जानकारी देते हैं। तो कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग भूपटल की कठोर सतहों के बीच क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ जीव या उस जीवों के शरीर के कुछ हिस्से जो हमारी भूपटल है या भूपृथ्वी है उसकी कठोर सतहों के बीच क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिसके कारण उनका अपघटन नहीं होता है और वे परिरक्षित रूप में मिलते हैं, यानी ऐसे के ऐसे रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म जैव विकास के लिए क्या करते हैं, एक प्रमाण या सबूत, एविडेंस प्रदान करते हैं, जो हमें समझने में क्या करते हैं, जो इसे समझने में सहायता करते हैं कि भाई ऐसे जीव आज से हजारों लाखों वर्ष पहले मौजूद थे। जैसे हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, तो डायनासोर को किसी ने थोड़ी देखा है, लेकिन उसके कुछ जीवाश्म मिले हैं, कुछ उसके शरीर के हिस्से मिले हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले ऐसे जीव पृथ्वी पर क्या थे, मौजूद थे। उदाहरण के लिए ऑर्कियोप्टेरिक्स, एक पक्षी जीवाश्म जो पक्षी की तरह दिखते हैं परंतु इसमें अनेक ऐसे लक्षण हैं जो सरीसृप में भी पाए जाते हैं। इस तरह यह पक्षी और सरीसृप के बीच एक जैव विकास को क्या दर्शाता है, जैव विकास के संबंध को दर्शाता है, तथा प्रमाणित करता है कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से क्या है, संबंधित है। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, यानी ये आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव है इसके अंदर कुछ लक्षण पक्षियों के मिले हैं और कुछ सरीसृप के मिले हैं, जिससे हमें यह अंदाजा मिलता है कि ये इन दोनों के बीच की एक कड़ी था। क्या था, इन दोनों के बीच एक कड़ी थी, जिसके जरिए हमें समझ में आता है कि प्रारंभ में पक्षी और सरीसृप के बीच में कुछ न कुछ ऐसा संबंध था और धीरे धीरे विकास होता गया और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते गए, अलग होते गए।
ठीक है, तो यानी इससे हमें जैव विकास के संबंध में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अगला, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य है। बोल रहा है कि क्या कारण है कि विभिन्न आकृति, आकार और रंग रूप में दिखाई देने वाले ये मानव एक ही प्रजाति या एक ही स्पीसीज के क्या है, सदस्य है। तो अगर हम बात करें आधुनिक मानव की, तो आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस का उद्भव कहां हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका क्या कर दिया, छोड़ दिया, जबकि कुछ वहां पर ही रह गए। वे अलग अलग देश के वातावरण में क्या हो गए, फैल गए, जिसके कारण उनका आकार, आकृति और रंग रूप क्या हो गए, भिन्न हो गए। और इन विभिन्नताओं के बावजूद वे परस्पर सफल लैंगिक जनन करने में क्या है, समर्थ है, और क्या करते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन्हें एक ही स्पीसीज या प्रजाति के सदस्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपांजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। बताना है कि विकास के आधार पर इनमें से जीव है जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपांजी में से किसका जो शारीरिक अभिकल्प यानी शारीरिक जो संरचना है वो उत्तम है, और उसकी कारण भी देना है हमें। तो देखो, जैव विकास में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी जब हम जैव विकास के चरणों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रारंभ में जो जीव थे उनके शरीर की संरचना इतनी जटिल नहीं हुआ करती थी। शरीर की संरचना कैसी थी, बिल्कुल आसान थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैव विकास होते गया, वैसे वैसे शारीरिक संरचना की जटिलता भी क्या हो गई, बढ़ती गई। इस आधार पर चिंपांजी का जो शारीरिक अभिकल्प है वो हमें सबसे उत्तम प्रतीत होता है, परंतु प्रतिकूल और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उत्तर जीविता की दृष्टि से सरल अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे ऊष्मा, झरने, गहरे समुद्र के जल स्रोत और अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। कौन, जीवाणु। अतः यह आवश्यक नहीं कि जटिल शारीरिक अभिकल्प वाले जीव जैव विकास दृष्टि से सरल शारीरिक अभिकल्प वाले जीवों से क्या हो, उत्तम हो। यानी हम केवल शारीरिक संरचना की जटिलता के आधार पर हम नहीं कह सकते कि कोई जीव सरल शारीरिक संरचना वाले जीवों से क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम बात करें जीवाणु की, उसकी शारीरिक संरचना भले सरल है लेकिन वो अलग अलग विषम स्थितियों में भी क्या होता है, पाया जाता है, क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में भी क्या रहता है, जीवित रह पाते हैं। अतः केवल हम शरीर की संरचना को देख के किसी जीव के शारीरिक अभिकल्प या शारीरिक संरचना को उत्तम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।